चलो ये तुम करो, मैं आती हूँ। बैठो। मैं आती हूँ। सारा कहाँ गई थी तुम? अपनी दोस्त के घर, किस दोस्त के घर गई थी शांजे के घर। और किस लिए गई थी? मैं आपको क्यों बताऊं? इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर शक है। मैं आपको पहले भी एक दफा कह चुकी हूँ कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हारी माँ नहीं बन रही हूँ, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसीलिए तुमको समझा रही हूँ। अगर मैं शांजे के अलावा किसी और से मिल भी लूं तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। एक मिनट, इसका मतलब तुम किसी और से मिलके आ रही हो? तो आप भी तो उस्मान भाई से मिलती हैं। सारा, उस्मान हमारा कजन है। कजन तो आपके और भी बहुत है, लेकिन आप उनसे तो नहीं मिलती। वो मेरा होने वाला शोहर है। आपकी मोहब्बत है। हाँ तो ये कि दूसरों की जिंदगियों पे पाबंदियां लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो बहुत दलीलें आ जाती हैं। आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा, वरना मैं कल से ही अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू हो जाऊंगी, कि मैं मजीद आपकी कमाई का रोब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी बहुत मजे का खाना। इस सब तुम्हारी पसंद से बनवाया मैंने। थैंक यू। कमाल को भी ये सब पसंद है। दैट मीन्स ही कमाल और मेरी चॉइस एक जैसी है। तुम कमाल को कमाल भाई क्यों नहीं कहती? बड़े भी हैं तुमसे। ऐसे ही बहुत ज्यादा फॉर्मल सा हो जाता है, इसलिए फ्रैंक होने की जरूरत ही क्या? एक्चुअली अमेरिका में ना नाम लिए जाते हैं, वहाँ पे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये अमेरिका नहीं है, वहाँ के और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अरे भाई सबाहत, तुम सबको अपनी मर्जी से क्यों चिल्लाना चाहती हो? ऐसा तो नहीं आंटी। ऐसे ही है, तुम चाहती हो सब मेरी मर्जी से चले। आंटी ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। बाय द वे द फूड इज वेरी टेस्टी। सब आपने खुद ही बनाया? हाँ। अच्छा, मुझे लगा शायद सबाहत भाभी ने बनाया होगा ना, आखिर इस घर की बहू है तो। मैं खाना नहीं बनाती, ये सिर्फ बिजनेस संभालती है। जी, क्योंकि खाना तो आंटी मुलाजिम भी बना सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं संभाल सकते। आई गेस मैंने बहुत खा लिया। मैं रूम में जा रही हूँ, सर में दर्द हो रहा है। ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाएगा। तुम खाओ ना और लो ना।